हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बहुत ही एक अच्छा वाला एक सामान लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये किस किस के लिए है वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये घरगुती के लिए इस्तेमाल होता है और किसान भाइयों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को ये चौंसा देखने के लिए मिल रहा होगा। ये चौंसा आप लोगों को किस तरह से असेंबल करना है मैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलो असेंबल मैं करके बताता हूँ। तो इसको जैसे इसका इस्तेमाल क्या है आप लोग सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग जैसे छोटे मोटे झार होते हैं तो उसकी कटिंग के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप लोग इलेक्ट्रिक से चला सकते हो तो ज़्यादा यानी एकदम जो खेत वेत में होगा वो वहाँ पर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। जहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक होगा वहाँ पर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको असेंबल कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके असेंबल करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये जो हमारे पास सामान है ये इसके, और दूसरा आप लोगों को एक ग्राइंडर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और आप लोगों को एक ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्राइंडर कोई भी चलता है आप लोगों को, 801 लेकिन ग्राइंडर होना चाहिए। तो फाइनली आप लोगों को अगर चाहिए कि ये कैसे ले सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक फ़ोन नंबर का मिलेगा, वहाँ से आप लोग कॉल करके आप लोग ये इंस्ट्रूमेंट मंगा सकते हो अपने लिए भी। तो इसको करते क्या है तो मैं आप लोगों को इसको असेंबल करके बता देता हूँ। तो असेंबल कैसे करते हैं इसको आप लोगों को, पहले इसका ए बी वॉशर जो होता है उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास ये जो सामान है जो चैनसा का जो सामान रहता है उसको आप लोगों को ये पैकेट जैसे आप लोगों देख सकते हो, ये एक पट्टा मिलता है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक पट्टा मिलता है उसमें, और ये सेफ्टी गार्ड है, और ये आप लोगों को कवर देखने के लिए मिलेगा, और एक ये हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और ये जो पट्टे पे लगता है वो उसका एडेप्टर है, मतलब ये ग्राइंडर पे लगेगा आप लोगों को। और आप लोगों को इसमें एलंकी नट बोल्ट ये सब भी देखने के लिए मिलेगा। और फाइनली जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है आप लोगों को चैन, ये चैन रहता है जिससे आप लोगों को कटिंग करने को बहुत आसानी जाता है झाड़। तो आप लोगों को इसमें भी एक और आप लोग मैनुअल देख सकते हो, आप अगर आप लोगों को नहीं जमता है तो आप लोग मैनुअल देख के आप लोग इसको असेंबल कर सकते हो। देख सकते हो आप लोग इस तरह से मैं आप लोगों को असेंबल करके दिखाता हूँ। तो चलो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी, और ग्राइंडर पर सबसे पहले आप लोगों को इसमें काला कवर आता है, वो काला कवर आप लोगों को ये ग्राइंडर के ऊपर बैठाना पड़ेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो ये रबर जो है। तो आप लोगों को फाइनली इस तरीके से कुछ आप लोगों को बैठा सकते हैं आप लोग। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोगों को असेंबल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि आप लोग स्किप कर दोगे तो आप लोग बैठा नहीं पाओगे। अगर आप लोग मैनुअल देख के अगर बैठाना चाहते हो तो उससे भी आप लोग बैठा सकते हो। तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको बैठा दिया आप लोगों को, फाइनली इस तरह से बैठाने का इसको। उसके बाद आप लोगों को ये वाला लेने का है। तो ये जो ये इसकी ऑयल की टंकी रहती है इसमें ऑयल डाला जाता है। इसमें ऑयल डाल कर ये ऑयल कहाँ पे आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो चैन रहता है ये चैन पे आप लोगों को ये ऑयल देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें ऑयल क्यों डालते वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि वो चैन जले ना, क्योंकि जो चैन रहता है वो बहुत रफ्तार से घूमता है तो उसको चलने के लिए कुछ ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑयल आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। फाइनली मैं इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ, जब तक लिए मैं थोड़ा वीडियो स्क्रिप कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। देख सकते हो आप लोग मैंने इसको टाइट कर चुका हूँ। तो फाइनली मैंने इधर से जो टंकी था वो निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे एक नट आता है ऐसे, इस टाइप में कुछ नट लगा रहता है उसको हमको टाइट करना पड़ता है। तो आप लोगों को टंकी निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद दो नट पे ही टाइट रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो नट दिखने को मिल रहा हूँ आप लोगों को। तो दो नट पे आप लोग टाइट रहता है, फिर ये टाइट करना पड़ता है, उसके बाद वो टंकी लगाना पड़ता है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को चैन बैठाने के लिए जो ये पट्टा जो होता है इसको आप लोगों को बैठाने के लिए आप लोगों को एक एडेप्टर रहता है, देख सकते हो। इसमें आप लोगों को पन्नी में देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसको फिट करना पड़ेगा। उसको फिट करने के लिए आप लोगों को ए बी वाइसर जो रहता है ग्राइंडर का, वो ए बी वाइसर आप लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे इस टाइप में आप लोगों को लगा लेंगे तो इसको थोड़ा टाइट कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को स्क्रिप कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कि मैंने ए बी वाइसर फिट कर दिया हूँ यहाँ पे। मैं वीडियो इसलिए स्क्रिप कर रहा कि ताकि हमारी ग्रैक भी आ जा रहे, तो आप लोग टेंशन मत लेना उसका। तो हम लोग इसके बाद अब जो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने ए बी वाइसर फिट कर दिया।
उसके बाद आप लोग ये पट्टे को लेना और इस तरह इस प्रकार से कुछ यहाँ पे लगा देना। आप लोग देख सकते हो कचका दिख रहा हूँ, देखने को मिल रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा इस तरह से लगा सकते हो इसको, पकड़ो कुणाल भाई थोड़ा। तो इस तरह से कुछ आप लोग लगा लेंगे। उसके बाद ये आती है चैन की, जो ये वाला आप लोगों को चैन देखने को मिलेगा उसमें। तो इसको आप लोग काट सकते हो किसी चीज़ से, उसके बाद इसको असेंबल करने को बड़ा आसानी जाएगा थोड़ा। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने चैन निकाल लिया हूँ। कई इसमें उल्टा सीधा भी चैन का आता है, अगर उल्टा लगा दोगे तो वो नहीं काटता है। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लगेगा आप लोगों को। जो ए बी वाइसर के नीचे में वो एक खचका वाला रहता है, उसमें आप लोगों को चैन को फिट करना रहता है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको फिट कर देते हैं। पहले वन साइड से फिट कर लेना, देख सकते हो आप लोग। इसको बरोबर आप लोग बैठा लेना, क्योंकि इसको थोड़ा बैठाने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। तो थोड़ा लंबी वीडियो तो हो ही जाएगी आप लोगों को। देख सकते हो मैं इसको बैठा दिया कुछ इस तरीके से, देख सकते हो मैं यह बैठ ही चुका है अभी। इसको बाद में उसको आप लोग टाइट भी कर सकते हो, एक आता है इसमें अडेप्टर उसको टाइट करने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मैं वीडियो स्क्रिप्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा मैं टाइट करके आप लोगों को बताता हूँ फिर। तो भाई लोग, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लगाना भूल गया था इसमें, तो देख सकते हो वो ये है। तो ये काय के लिए काम आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो चैन रहता है, कभी ज़्यादा अपने को ढीला करना है या टाइट करना रहता है तो उसको इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको लगाना कहाँ पर आप लोगों को। मैं इसको पट्टे को निकाल देता हूँ पहले। तो देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से आता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक आप लोगों को खचका देखने के लिए मिल रहा होगा। इसको इस तरीके से फंसाना, इसमें बीच में दो गैप रहता है देख सकते हो आप लोग। और इसको इस तरह से रखना, इसको खड़ा रखना ताकि ये अपने जो चैन का जो होल होता है इसमें आके आप लोगों को वो जो होल होता है इसमें आके फिक्स बढ़ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से फिक्स होता है। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा, तो आप लोग देखना ये इसमें चैन में फंस गया। आप लोग हम उसको थोड़ा ढीला करेंगे पेचकस से, इसको थोड़ा हम लोग ढीला कर लेंगे। जैसे आप लोग भी कर सकते हो पेचकस से, देख सकते हो आप लोग। थोड़ा मैं इसको ढीला कर देता हूँ, देख सकते हो काफ़ी हमारा हो चुका है। यहाँ पे अपने को नट देखने के लिए मिल रहा होगा, ये वाला नट, इससे आप लोग ढीला कर सकते हो और इसको टाइट भी कर सकते हो। जैसे आप लोगों को फिक्स करने का है तो आप लोग इसको ऐसा फिक्स कर सकते हो, तो ये चैन टाइट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग इसको टाइट करोगे तो ये चैन टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा देख लेना, एडजस्ट कर लेना इसको, ऐसे चैन को एडजस्ट कर लेना। इस चैन को ऐसा पूरा पट्टे पे आना चाहिए चैन। उसके बाद हम लोग इसको टाइट करेंगे और देखते हैं। आप लोग देखना चैन बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा, देख सकते हो हमारा चैन टाइट हो चुका है। यहाँ पे चैन टाइट हो गया हमारा। तो अब लोग इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करने का है। इसके बाद ये कवर लगाना पड़ता है इस तरीके से कुछ इसके नीचे। अब ये कवर लगाएंगे तो उसके नीचे जो ये वाला नट मैंने पहले बताया था, ये वाला नट कुछ इस प्रकार से लगेगा आपका, देख सकते हो इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लग जाएगा वो नट। तो नट लगाने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को इसमें देख सकते हो इसमें दो नट दिया गया है ऑलरेडी। तो आप लोग इस कुछ इस तरीके से आप लोग इसको पकड़ लोगे और नट इसको लगा सकते हो आप लोग। और इसका सेफ्टी गार्ड भी आता है, आप लोग सेफ्टी गार्ड देख सकते हो, मैंने आप लोगों को पहले दिखाया होगा सेफ्टी गार्ड। तो मैं नट कुछ लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो सेफ्टी गार्ड जो फाइनली होता है वो इस तरीके से कुछ लगता है यहाँ पे, ताकि आप लोगों के बदन पे जो कचरा वचरा आता है वो कचरा ना आ पाए, आप लोगों के बदन पे कचरा ना आ पाए। तो मैं इस किस तरीके से कुछ इसको फिक्स कर देता हूँ, देख सकते हो आप लोग। दो नट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उसमें, तो आप लोग दो नट इसमें फिक्स कर सकते हो ला के, देख सकते हो। आप लोगों को एक एलंकी मिलता है साथ में, तो टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। तो इसको आप लोग कुछ ऐसा नट को फिक्स कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग। गाइस यूट्यूब पे कोई भी ऐसे मतलब बोल के नहीं बताता है, मैंने काफ़ी यूट्यूबर लोगों को देखा हूँ वो इसी लिख कर आता है वहाँ पे। तो आप लोगों को हमारे चैनल पे सिर्फ ऐसे बोल के बताया जाएगा। अगर आप लोग ये लेना चाहते हो तो आप लोगों को आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखना, मोबाइल नंबर आप लोगों को दिया रहेगा। अगर मैं नाम बता दूँ दुकान का, तो इंडिया मशीन एंड टूल्स करके एक दुकान है हमारे वर्धा में, महाराष्ट्र वर्धा में।
तो वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हो इसको, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ की मशीन वशीन मिलती है, और हम लोग यहाँ पे असेंबल भी करके दिखाते हैं, पूरे तरीके से समझा के बताते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हो मेरा टाइट हो चुका है ये, इस तरीके से आप लोग टाइट कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने बताया था आप लोगों को पहले, यहाँ पे टंकी रहेगी एक ऑयल के लिए, जो आप लोगों को चैन पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप लोग इस तरीके से टंकी को फिट कर सकते हो, इसको स्क्रू लगा रहता है, आप लोग फाइनली उसको ऐसे फिट कर सकते हो। तो देख सकते हो ऑयल की टंकी है ये, इसकी पेट्रोल की नहीं है, ऑयल की होंगी आप लोगों को। तो ये आप लोगों को देखने के लिए हो गया आप लोगों। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप हैंडल लगाना चाहते हैं तो हैंडल भी लगा सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोगों को नट देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे भी एक नट देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जो जहाँ पे मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको इस तरीके से पकड़ के चलाने का है इसको, या फिर ऊपर साइड से पकड़ के चलाने का है, तो दोनों साइड में से किसी साइड भी आप लोग नट इसको फिक्स कर सकते हो। समझ गए गाइस, इसको ये इस तरीके से कुछ नट आता है, ऐसे आप लोग पकड़ सकते हो इसको। तो मैं आप लोगों को चालू करके बताता हूँ कि किस तरीके से चलता है। तो हमारा नया ग्राइंडर है, तो ये 40 का ग्राइंडर है, काफ़ी अच्छा आप लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिल रहा होगा। वाटर प्रूफ ग्राइंडर है ये, तो देख सकते हो मैं आप लोगों को चालू करके बताने वाला हूँ इसको। तो फाइनली भाई लोग देख सकते हो मैंने हैंडल भी लगा चुका हूँ, और पूरा हमारा यहाँ पे पूरा असेंबल हो चुका है। तो ये ग्राइंडर है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक से चालू कर सकते हो इसको। तो फाइनली मैंने इसमें वायर लगा चुका हूँ इलेक्ट्रिक में, अब देख सकते हो मैं आप लोगों को चालू करके बताता हूँ इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जैसे बटन चालू कर, देख सकते हो काफ़ी रफ्तार से घूमता है ये, तो आप लोग आसानी से डंगाली उंगली काट सकते हो इससे। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोगों को फिर से मैं यही बताऊंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिलेगा, वहाँ से आप लोग कॉल करके ले सकते हो, या फिर हमारा इंडिया मशीन टूल का ये हमारा कार्ड है, देख सकते हो आप लोग अच्छे से देख लेना भाई लोग। इसमें फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को बता दूंगा, नंबर और मोबाइल नंबर दे दूंगा आप लोगों को। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो हमारी दुकान से परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर हम लोग दूसरे एक टॉपिक पे और लेकर आएंगे, ग्राइंडर से रिलेटेड एक और वीडियो हमारा आएंगे बहुत जल्दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको बाय बाय।